नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। प्रदेश में अब भारी वैकेंसी निकलने वाली है। जी हां, अगर नौकरी चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। जल्द ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैठक हो गई है, जिसमें भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की बात निकलकर सामने आ रही है। यानी कि जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं अब वो तैयार रहे। एक नए अपडेट के साथ अब उनकी बहाली शुरू होने वाली है। दरअसल होने वाला यूं है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसको देखते हुए एक निर्णय किया गया, एक मीटिंग बैठाई गई, जिसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया। और वह निर्णय ये है कि अब सूबे में शिक्षकों की बहाली होगी। प्रदेश में जहां भी शिक्षकों की कमी है उस पर शिक्षक को बहाल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके रिपोर्ट क्या कहते हैं, कब से शिक्षकों की बहाली शुरू होने वाली है। प्रदेश में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से हर हाल में 20 अप्रैल तक नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। माना जा रहा है कि मौजूदा रिक्तियों में 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि रिक्तियों की सूचना आने के बाद उसकी जाँच भी होगी। गौरतलब है कि इस समय 2,00,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की योजना है। इसमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षक है और 1.20 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और गैर शिक्षकेतर कर्मियों के भी 1,00,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, ऐसी बात कही जा रही है। नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इनकी सेवा शर्तों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से भी विमर्श होगा। नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। हालांकि अभी प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। वहां से सहमति मिलने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज होगी। अपर मुख्य सचिव ने उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति से संबंधित शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस करने को कह दिया है। बैठक में पुस्तक वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। हर जिले में एक एक मॉडल विद्यालय के चयन को लेकर हो रहा है। एक बार फिर से जान लेना जरूरी है कि प्रदेश में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से हर हाल में 20 अप्रैल तक नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। माना जा रहा है कि मौजूदा रिक्तियों में 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि रिक्तियों की सूचना आने के बाद उसकी जांच भी होगी। गौरतलब है कि इस समय 2,00,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की योजना है। इसमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षक है और 1.20 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और गैर शिक्षकेतर कर्मियों के भी 1,00,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इनकी सेवा शर्तों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से भी विमर्श होगा। नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि अब शिक्षक बहाली में ये प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षकों की भारी संख्या में बहाली होगी और उनके वेतन में भी 10 से 15% तक का इजाफा हो सकता है, ये भी बात की जा रही है। अब तो देखना होगा कि शिक्षकों के लिए ये कितने फायदेमंद खबर साबित होने वाली है और शिक्षक को कहां कहां पद बहाल किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है, जिससे कि शिक्षा के गुणवत्ता में भी बेहद कमी देखी गई है। फिलहाल के इस वक्त के खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।